सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल मोटर आर्ट्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो अभी आपका भाई थोड़ा एक्टिव हो चुका है यूट्यूब को लेके, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी कि अब मैं थोड़ा एक्टिव रहूँगा और जहाँ तक है डेली ट्राई करूँगा कि ब्लॉग डालूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ दीपक भाई के पास, आपने मेरे चैनल पे देखी होगी MT15, वो दीपक भाई के हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। थोड़ा आज रील वील क्रिएट करेंगे, थोड़े फोटोज़ खींचेंगे एंड एक राइड भी हो जाएगी इसी बहाने। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास और वो मेरे को वहीं मिलेंगे, शायद फ्लाईओवर के पास मिलेंगे या फिर थोड़ा अंदर को जाके देखेंगे उनके घर के पास। तो आ चुके हैं हमारे दीपक भाई, कैसे हो? और भाई ये नेकेड का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, भाई नेकेड जो बाइक होती है ना और ये MT ऊपर से, तो भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्टर होती है भाई ट्रैफिक में। तो आई होप आज के ब्लॉग में आपको मज़ा आएगा क्योंकि हम मज़ेदार बना देंगे इस ब्लॉग को। और मैं भागा अपने आप से नहीं रहा हूँ क्योंकि ये भाई थोड़ा क्राउडी एरिया है और एकदम से भी कोई भी आ सकता है। भगाने को मैं भगा सकता हूँ बट लेकिन भैया आगे चल रहे हैं ना तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये देखो, यही होता है भाई, यही होता है। यही होता है भाई साहब, इसलिए मैं इसको नहीं भगा रहा हूँ और क्योंकि एकदम सामने से कोई भी आ जाता है। चलो तुमको दिखाता हूँ भाई RS की पावर थोड़ा। ये रॉन्ग साइड चलने वाले छोड़ो, कहने तो मैं कुछ और वाला था। शायद आपने वो मीम देखा होगा, वो याद आ गया था मुझे। भाई RS का फ्रंट टायर जो है ना वो भाई जा चुका है बिल्कुल, तो अब इसको थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा और कुछ दिन में टायर भी चेंज करवाएंगे, व्लॉग आएगा उसका, बने रहना चैनल पे। अच्छा सा टायर डलवाएंगे कोई। और अभी है हम कवि नगर में, भैया को कुछ काम था, इसका जो वाइज़र है वो चेंज करवाना है, उनका जो हेलमेट है। और इसी बहाने भाई राइड भी हो रही है अपनी सही। चलो ये देख रहे हो साउंड कैसा कर रही है MT, क्योंकि भाई ने जो साइलेंसर के पीछे जो एक वो होती है ना छोटा सा वो पाइप जो निकला हुआ होता है, आपने बहुत सी MT में देखा होगा मॉड करवा लेते हैं पीछे से कटवा लेते हैं, तो भाई ने वही करवा रखा है। आवाज़ काफ़ी अच्छी कर रही है। वैसे तो हम ये रैश ड्राइविंग करना प्रेफर नहीं करते बट लेकिन कभी कभी यार मन करता है यार करने का, इन बाइक का पोटेंशियल चेक करने का भी मन करता है ना। इनको लिया है तो भाई इनको चलाएंगे भी। कमेंट करके बताना वीडियो में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई आप खुद ही देख लो, आप खुद ही देखो इतने ट्रैफिक में कौन कैसे एक बाइक को भगा सकता है, ठीक है। तो भाई अभी करवाते हैं अपने दीपक भाई के हेलमेट का वाइजर चेंज। ये वाला वापसी कराओ, दिखा ना, देखिए ये वाला लगवाना, ये वाला जो लग के आता है ये वाला फिर अलग से नहीं मिलता, ये वही है, ठीक है, ज्यादा जेड भी ना ठीक है। हाँ हमने तो इससे भी डांट लगा रखा है, ये वाला तो बढ़िया। तो भाई का हो गया है ये वाइजर चेंज, तो भाई ने बिल्कुल टिंट वाला लगवाया है और टिंट वाला मैंने हटा दिया था क्योंकि भाई रात में चलने में दिक्कत होती है, बट लेकिन ये वाला कैपेबल है रात में चलने के लिए। अब अपना भी हेलमेट चेंज करने का टाइम आ चुका है, चलाने वाले हैं MT, भैया की MT और भैया चलाएंगे अपनी RS 200। चलते हैं, चलो। Ha ha ha.
एमटीवी पीछे नहीं रहती है, बट अगर RS 200 को अच्छे से लॉन्च करा जाए ना तो भाई वो तो भाई निकलेगी ही ना। पता है नेकेड बाइक्स में क्या है, नेकेड बाइक्स का हैंडल वॉबल बहुत होता है, हाई स्पीड पे हैंडल वॉबल बहुत होता है इनका, और मेरे को बस इसीलिए नेकेड बाइक्स पसंद नहीं है। अच्छी लगती है बट लेकिन पसंद नहीं है मतलब लेना प्रेफर नहीं करता मैं, और ना इनको हाई स्पीड पे चलाना। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा, वीडियो में मज़ा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मोटरहट चैनल को। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी अच्छी सी एनर्जेटिक वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।